ऑलराइट सो हियरी वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में यार हम लोग शुरुआत करने वाले सर्बियन डांसिंग लेडी पार्ट फोर, क्योंकि यार पार्ट थ्री की एंड यहीं से हुई थी तो पार्ट फोर की शुरुआत भी यहीं से होगी। और यार यहां पर शाम हो चुकी है और आपको तो मालूम है यार हम लोग का मिलिट्री का सबसे अच्छा दोस्त यार मिलिट्री का जनरल मर चुका है। तो यार हम लोगों ने यार डिसाइड किया है कि अभी हम लोग ये मिलिट्री बेस के ऊपर रूल करेंगे ट्रेवल और मैं, क्योंकि यार नया जनरल अभी तक बना नहीं है तो शायद मैं यहाँ पर वोट के लिए खड़ा हो जाऊँ। बट उससे पहले यार मैं ट्रेवर को कहना चाहता हूँ, ये सर्बियन डांसिंग लेडी लॉस सैंटोस छोड़ के कब जाएगी ट्रेवर, कुछ समझा मुझे? अबे मुझे तो नहीं मालूम है सर्बियन डांसिंग लेडी लॉस सैंटोस छोड़ के कब जाएगी, बट जाएगी तो जाएगी, बट ले सब हम लोग को भी लेके जाएगी। हाँ यार ट्रेवर हम लोग को भी लेके जाएगी, ये मेरे तो पीछे ही पड़ी है सर्बियन डांसिंग लेडी, कुछ समझता नहीं है इसको। और यहाँ पर यार एकदम अच्छा सा वेदर हो रखा है और ये किसका कॉल आए जा रहा है? और राइट यार शिनचैन का कॉल है। हाँ बोल भाई शिनचैन क्या हुआ? अरे यार फ्रैंकलिन भाई आप कहाँ पर हो? मैं तो घर पे हूँ शिनचैन, बोल क्या हुआ? अरे यार फ्रैंकलिन भाई मुझे जल्द लेने आ जाओ। कहाँ पर लेने आ जाओ, तू तो नॉर्थ लंदन में है ना? अरे यार फ्रैंकलिन भाई मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अरे तू एयरपोर्ट पे क्या करने गया है शिनचैन नॉर्थ लंदन के? अरे यार मैं लॉस सैंटोस में आ चुका हूँ, अब लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे ऊपर लेने आ जाओ मुझे। अबे शिनचैन पागलों जैसी क्या बातें कर रहा है, तू कब आया लॉस सैंटोस? अरे यार मैं आज की फ्लाइट पकड़ के आ गया यार लॉस सैंटोस, चौप भी आए मेरे साथ। अरे यार शिनचैन तू लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है? हाँ यार मुझे जल्दी से लेने आ जाओ आप। अरे शिनचैन तू क्या बात कर रहे है, तू सच में अंदर लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है? हाँ मैं एयरपोर्ट के ऊपर वेट कर रहा हूँ आपका हैंगर के यहाँ पर, जल्दी आ जाओ। हाँ यार शिनचैन मैं आता हूँ। अरे यार सुन यार ट्रेवर क्या हो गया तुझे मालूम है क्या? हाँ बोल जल्दी क्या हुआ? अरे यार ये शिनचैन लॉस सैंटोस के अंदर आ चुका है। अबे क्या बात कर रहे है, शिनचैन लॉस सैंटोस के अंदर कब आया, तो नॉर्थ लंदन में था ना? हाँ यार ट्रेवर मुझे भी वही लग रहा था, नॉर्थ लंदन में आज की फ्लाइट पकड़ के लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर जाके खड़ा है चॉप के साथ। अभी यार मुझे तो कुछ करना पड़ेगा गाइस, वो नहीं शिनचैन यार फंस जाएगा और यहाँ पर अंधेरा भी होने वाला है ट्रेवर। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अंधेरा होने वाला है, सर्बियन डांसिंग लेडी आएगी हम दोनों को मार देगी। हाँ यार वो भी डर लग रहा है, क्योंकि यार उसने यार हम लोगों से पंगा लिया और हमने उससे पंगा ले रखा है, तो यार वो ही एक अलग प्रॉब्लम है। और जल्दी से गाड़ी में बैठ, अंधेरा होने से पहले हम लोगों को यार लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अगर उससे पहले हम लोग नहीं पहुंचे ना यार ट्रेवर शिनचैन तो यार नहीं बचेगा और ना ही मेरा चौप बचेगा। यार मेरा भाई मुझे सबसे प्यारा है यार, मैं चाहे मेरी जान कुर्बान कर दूं बट यार मेरे भाई को मुझे बचाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि यार 2 घंटों में अभी अंधेरा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि यार सर्बियन डांसिंग लेडी यार उन दोनों को पकड़ ले यार मेरे चक्कर में, क्योंकि यार पूरे लॉस सैंटोस में कोई नहीं है वहां पर। तो यार मुझे जल्दी से जाके शिनचैन को पिकअप करना पड़ेगा, यहाँ पर यार ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। कोई बात नहीं यार 7:30 बज चुके हैं यहाँ पर शाम के, और यहाँ पर मैं जल्दी से जाता हूँ यार बाहर कैसे भी करके। यार हम लोग को ट्रेवर एयरपोर्ट पहुँच जाना है 1 घंटे में, क्योंकि यार 3 घंटों में अंधेरा हो जाएगा। हाँ यार 3 घंटों में अंधेरा हो जाएगा और ना वो सर्बियन डांसिंग लेडी भी आएगी। हाँ यार वो भी बात अलग है, वो सर्बियन डांसिंग लेडी भी आएगी और वो अगर हम लोगों को दिख गई ट्रेवर वो अलग से प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। तो यार कैसे भी करके गाइस हम लोगों को बच के जाना है, और अगर हम लोग नहीं बचे तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग बचेंगे ना, ऐसी नेगेटिव बातें मत किया कर। हाँ यार नेगेटिव बातें नहीं किया करता मैं, बट यार मुझे डर लग रहा है इतना कि यार अंधेरा होने वाला है। और तुझे मालूम है सर्बियन डांसिंग लेडी से तूने पंगा ले रखा है? हाँ वो मुझे मालूम है, सर्बियन डांसिंग लेडी से मैंने पंगा ले रखा है, बट इतना क्या डर रहा है, अभी तो यार शाम ही हुई है। हाँ अभी शाम ही, और ये क्या देख रहा है यार, ये गाड़ियाँ कौन सी जा रही है? अरे रहने दे, इनको मौत पे आ रही है लग रहा है। हाँ जाने दो यार गाइस, इन लोगों को मौत पे आ रही है, कोई बात नहीं यार मुझे जल्दी से एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाके ही मिलता होगा इसमें आपको। नहीं यार चौब, ये फ्रैंकलिन भाई अभी तक आए नहीं यार। हाँ यार मुझे भी नहीं पता यार, अभी तो फ्रैंकलिन भाई आए क्यों नहीं। हाँ यार वही यार, एक काम करता है अपन एयरपोर्ट के बाहर चलते ना चौब। अरे यार पागलों जैसी बातें मत कर यार, एयरपोर्ट के बाहर जाएंगे तो यार तुझे मालूम है ना फ्रैंकलिन भाई कितना चिल्लाएंगे। अरे यार चौब इतना क्या डरना है यार, मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे तू यार 5 साल का बच्चा ही है यार सिर्फ, तू क्या मुझे बचाएगा। अरे यार चौब ऐसी बातें मत किया कर, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना। हाँ तू मेरा अच्छा दोस्त है, काम करते जल्दी से बाहर चलते यार। एक काम कर यार, अभी यहाँ पर बाहर तो आ गए बट यहाँ पर कोई गाड़ी क्यों नहीं दिख रही हमें। अरे यार चौब मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है, इतने देरों से हम लोग चल के आ रहे हैं और यहाँ पर तो एक गाड़ी तक नहीं दिख रही, टैक्सी वाला भी नहीं दिख रहा, और यार मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम है यार। अरे तो यार पहले ही बताना चाहिए था ना घर का रास्ता नहीं मालूम है, अभी हम लोग घर पे कैसे जाएंगे यार। हाँ यार चौब अभी हम लोग घर पे कैसे जाएंगे, कुछ समझता ही नहीं है मुझे अभी, मैं तो पागलों से बात करता हूँ, बट एयरपोर्ट का रास्ता तो यहीं से आता है ना, तो अब तो फ्रैंकलिन भाई अभी यहीं से आएंगे ना। हाँ फ्रैंकलिन भाई अभी यहीं से आएंगे, पर यार मुझे डर लग रहा है यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है। हाँ यार चौब मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है, एक काम करते यहीं पे खड़े रहते हैं, नहीं तो आगे चलते हम लोग। अरे हाँ आगे चलते हैं, यहाँ पर तो डर लग रहा है यार मुझे। अरे डर मत यार चौब, मैं हूँ ना तेरे साथ, बोला ना मैं एक बार। हाँ तू है, तू बहुत बड़ा योद्धा है ना जैसे बातें कर रहा है।
अरे यार चौब ऐसी बातें मत कर, मैं योद्धा विद्या कुछ नहीं हूँ यार, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा नाम है शिनचैन नुआरा। हाँ तो यार मुझे भी मालूम है तेरा नाम शिनचैन नुआरा है, बट यहाँ पर तो यार अंधेरा होने वाला है यार, यहाँ पर हम लोग कैसे भी करके घर पे पहुँचना पड़ेगा अंधेरा होने से पहले। हाँ यार चौब हमें घर पे तो पहुँचना ही पड़ेगा, अगर घर पे नहीं पहुँचेंगे तो फ्रैंकलिन भैया चिंता करेंगे। हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया चिंता करेंगे, और यहाँ पर तो देख हम लोग को आते आते इतना रात हो चुकी है, कम से कम 11 बज रहेंगे रात के। अरे यार चौब अभी मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया यार। हाँ मुझे भी डर लग रहा है, काम करते चल के आगे जाते हैं। अरे यार आगे तो आ गए, बट यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है यार शिनचैन। अरे यार मुझे तो अजीब नहीं लग रहा यार चौब, तुझे अजीब लगता है? अरे सामने तो देख कुछ चीज नाच रही है। अरे यार सामने तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान से देख सामने देखो स्ट्रीट लाइट के नीचे। अरे यार पर वो तो एक अंकल नाच रहे हैं वहाँ पर, दारू पी के यार चौब, इतना क्या डरना है इसके अंदर? अरे यार मैं क्या होता हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, काम करते हम लोग घर पे चलते हैं, मुझे घर का रास्ता यहाँ से मालूम है। अरे चौब तू एकदम चुप बैठ जाए, काम करते वो अंकल से हेल्प मांगते हैं हम लोग। अरे मैं कहता हूँ अंकल के पास मत जा, वरना खाली फुकट दारू की बोतल बिटर रहेगी और सर पे डाल देगा। अरे यार नहीं चौब यार ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे पुलिस केस हो जाएगी। हाँ वो भी है, बट पुलिस तो एक भी दिखाई नहीं दे रही मुझे लॉस एंडोस के अंदर। हाँ यार पुलिस भी एक भी दिखाई नहीं दे रही, वो ना पुलिस तो पेट्रोलिंग करती रहती है ना यार चौब। हाँ तो वही तो नहीं समझ रहा, यहाँ पर लॉस एंडोस के अंदर हुआ क्या है, एक गाड़ी नहीं दिखी है मुझे सुबह से। हाँ यार चौब कोई बात नहीं, काम करते अंकल के पास जाते। अरे यार नहीं यार अंकल के पास मत जा यार, मैं बोल रहा हूँ मुझे डर लग रहा है। अरे यार चौब कुछ ना डरपोक यार, मैं जाती ही दिखता हूँ, अंकल मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे यार एक बार बोला ना नहीं समझ में आता शिनचैन, तुझे तुझे लाने नहीं चाहिए था लॉस एंडोस के अंदर। अरे यार तू कैसे नहीं लाता, लॉस एंडोस मेरा घर है और मैं घर के अंदर आ सकता हूँ मेरी परमिशन के साथ। अरे यार ये तो कहीं समझ नहीं रहा है यार, अभी क्या करूँ शिनचैन, मत जा प्लीज, फ्रैंकलिन भैया बहुत चिल्लाएंगे, हम लोग एयरपोर्ट से बहुत दूर आ चुके हैं। चौब यार तू कितना ज्यादा ही डरपोक यार, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तेरे से कि तू इतना ज्यादा डरपोक निकलेगा। हाँ मैं डरपोक हूँ, एक काम कर यार तू चल यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं जल्दी से अंकल के पास जाके पूछ के आता हूँ, यहाँ से पता पूछता हूँ उनको, मेरे घर का पता उनको मालूम रहेगा शायद। अरे यार मुझे यहाँ पर, अरे चौब जल्दी आना। अरे यार मुझे डर लग रहा है, बोला ना। अरे यार चौब कितना डरपोक यार ये, गाइस इसको कुछ समझाओ जरा। अरे अंकल सुनो ना मुझे यहाँ पर लाओ दो मिनट। कौन है यहाँ पर, जल्दी बोलो क्या काम है तुम्हारा, और बच्चे तू अकेला क्यों घूम रहा है यहाँ पर? अरे यार अंकल मुझे मदद करोगे क्या? हाँ बोल क्या मदद चाहिए तेरे को? मुझे मेरे घर पे जाना है। घर पे? तुझे तेरा घर नहीं मालूम है क्या? मुझे मेरा घर मालूम है यार, बट वहाँ पर मुझे जाने के लिए एड्रेस चाहिए। हाँ तेरा नाम क्या है बता? मेरा नाम शिनचैन नुआरा है यार। और वो कुत्ता किसका है पीछे? वो चौप है, कुत्ता नहीं है यार। अबे यार मुझे कुत्ता बोल रही है यार ये। अरे यार चुप बैठ जा यार चौब। अंकल आप मुझे पता बताओ ना कहाँ पर जाना है, फ्रैंकलिन भैया मेरा भैया है बड़ा और वो पूरे लॉस एंजेलिस को जानता है। हाँ तुम्हारा फ्रैंकलिन भैया ना? हाँ वो मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ घर पे। अरे यार शिनचैन उसके पीछे मत जा यार, मुझे डर लग रहा है इससे, इसके ऊपर कुत्ता खून लगा है। अरे यार चौब तू चुप बैठ जा यार, वो कुछ नहीं खून लगा। अरे यार ये क्या हुआ शिनचैन को क्यों मारा तूने? अभी मैं तुझे भी अभी तो मैं इसको उठा के यहाँ पर लेके आ गई, अभी दिखाती हूँ उसके फ्रैंकलिन भैया को, मेरे से पंगा लिया था ना, अभी दिखाती हूँ। अरे यार यार यहाँ पर शिनचैन कहाँ पर रहेगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है ड्राइवर, मुझे रोना आ रहा है यार। अबे अबे चुप बैठ जा, रो मत, हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, इतना लेट तू गाड़ी चलाता है, मैं क्या करूँ अभी उसके अंदर। अरे यार हम लोग एयरपोर्ट के यहाँ पर पहुंच चुके, बट यार शिनचैन तो यार मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, वो कह रहा था एयरपोर्ट के बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं उसको कह रहा था कि एयरपोर्ट के हैंगर के यहाँ पर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार ड्राइवर, क्या करूँ जल्दी बता। एक काम कर जल्दी एयरपोर्ट के अंदर गाड़ी ले ले तू और सर्वियन डांसिंग लेडी, यार मुझे डर लग रही है। एक काम करता हूँ मैं ना पीछे चुप जाता हूँ, अगर वो आई ना उसको बता देना ट्रेवर नहीं है। ट्रेवर क्या पागलों जैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है यार तू, हम लोग यार इतने एक तो लॉस एंजेलिस के अंदर अकेला घूम रहा है, बच्चा 5 साल का हम लोग के हाथ से चला जाएगा वरना यार। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है बच्चा चला जाएगा, बट उसके साथ तो चौप भी है ना, वो तो उसको बचा सकता है। अरे यार चौप खुद ज्यादा डरपोक है, वो सिर्फ बाहर से ऐसे दिखाता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा डरपोक है चौप, मैं तुझे क्या बताऊँ। अब जाने दे, एक काम करते जल्दी से हम लोग हैंगर के पास चलते हैं, और वहीं पे शायद शिनचैन खड़ा रहेगा यार, उसके पैर वगैरह दुख रहे रहेंगे यार, 3-4 घंटों से आके बंदा खड़ा है वहां पर, मैं कैसे भी करके जल्दी जाके उसके बचाना पड़ेगा, वरना और सर्बियन डांसिंग लेडी छोड़ेगी नहीं यार उसको, यार लॉस एंजेलिस के अंदर इतने लोग है भी नहीं यार कि वो उसको ही पकड़ लेगी वरना। हाँ वो उसको ही पकड़ लेगी, काम कर जल्दी गाड़ी भगा। हाँ मैं गाड़ी तो फुल स्पीड में भगा रहा हूँ, और यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा है यार मुझे। हाँ अंदर रहेंगे शायद, देख ले एक बार, बिस्किट वगैरह खाते रहेंगे। और वो कौन से प्लेन से आया कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है यार मुझे। और ड्राइवर यार वो लोग यहाँ पर नहीं है। हाँ यार गाइस वो लोग यहाँ पर नहीं है,
और वो ना यहीं पे खड़े रहेंगे यार, अंदर कहाँ पर जाएंगे, अंदर कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर जाने के लिए। ट्रेवर यार वो लोग कहाँ पर गए यार, जल्दी ढूंढ यार ट्रेवर, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अबे डर मत, टेंशन मत ले, यहीं कहीं रहेंगे, प्लेन के अंदर एक बार चेक कर। नहीं यार प्लेन तो लॉक है, प्लेन के अंदर कैसे रहेंगे, और अपना प्लेन नहीं है वो पहली बात तो। और ये लोग शायद यार कमर्शियल एयरलाइन से आए, बट यार एयरलाइंस चालू है अभी भी लॉस एंजेलिस के अंदर, मुझे यही नहीं विश्वास हो रहा है। हाँ चालू रहेगी, चालू रहेगी, शायद प्राइवेट सर्विस चालू रहेगी। और शिनचान के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो प्लेन की टिकट खरीदे? मैंने उसे देके रखे थे यार ट्रेवर, देके रखे थे, पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए दे रखे थे, तो उसने यार शायद उससे ही खरीद ली रहेगी। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम लोग एयरपोर्ट के बाहर तो आ चुके हैं, और अभी संभाल के गाड़ी चला, स्ट्रीट लाइट के नीचे आ जाएगी वरना वो चिल्लाने वाली। हाँ यार उसको अभी तू याद मत कर, वो ना सच में आ जाएगी वो। हाँ नहीं याद करता, मुझे भी खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करते हैं, बीच में चल, डाउनटाउन चल, बिल्डिंगों के पास चल, शायद वहीं पे रहे वो। हाँ मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि यार वहाँ पर स्टोर्स चालू रहते हैं और स्टोर्स रात को क्लोज नहीं होते, वहाँ को कोई है नहीं, वो बात अलग है, वेंडिंग मशीन के पास रहते हैं। और यहाँ पर एक अलग सिस्टम है गाइस वेंडिंग मशीन का, जो कि यार इंडिया में अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर वेंडिंग मशीन चलता है तो वहाँ तो 24 आवर्स चालू रहता है, और यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही है यार, अजीब लग रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक काम कर, एक अभी हम लोग डाउनटाउन में आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ दुकानें तो चालू दिख रही है मुझे, बट यहाँ पर चारों चौक तो नहीं दिख रहे, पूरे रोड पे पूरी रोड खाली है, और मुझे तो स्ट्रीट लाइट के नीचे सिर्फ सर्बियन डांसिंग लेडी याद आती है। अरे यार ट्रेवर प्लीज यार चुप बैठ जाओ, सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम मत ले मेरे सामने, अगर वो सच में आ गई ना यार हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। और यार यहाँ पर तो आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर भी कोई नहीं है। अरे 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 यहीं पे तो दिखी थी ना यार ट्रेवर लास्ट टाइम हम लोग को। हाँ यही तो छाई थी वो मनुष्य जगह, यहीं पे तो दिखी थी वो सर्बियन डांसिंग लेडी लास्ट टाइम। हाँ यार हम लोग को यहीं पे दिखी थी यार वो सर्बियन लास्ट टाइम, बट यहाँ पर ये क्या चीज़ पड़ी है यार ट्रेवर? अबे ये क्या चीज़ पड़ी है नीचे यार, वही नहीं समझ में आ रहा, एक काम करते जल्दी से जाके। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी तो नहीं है ना? नहीं नहीं इतनी छोटी कैसे हो गई वो, जल्दी जाके देख के आता हूँ यार ये क्या चीज़ पड़ी है नीचे। अबे गाइस, अरे यार ट्रेवर ये तो देखो यार चॉप है यहाँ पर तो। क्या चॉप यहाँ पर क्यों पड़ा है? अरे चॉप जल्दी उठ। अरे यार मैं आपको क्या बताऊं यार फ्रैंकलिन, मैं आप काम करते हैं? अरे यार मैं तुम लोग को ढूंढ रहा था, और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार शिनचान को एक बंदा लेके चला गया यार। बंदा लेके चला गया? चॉप जरा आराम से समझा मुझे, क्या हुआ तू इतना डर मत। अरे यार यहाँ पर हम लोग आ गए थे, आपको वेट कर करके थक गया था शिनचान, तो इसलिए हम लोग यार लॉस एंजेलिस के अंदर आ गए, और यहाँ पर यार शिनचान ने एक बंदे से एड्रेस पूछा, तो बंदा यार उसको लेके कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ और वो मुझे भी मार के चला गया यार। अब कैसा दिखता था वो बंदा? वो व्हाइट ब्लैक कलर का कपड़ा पहनाता है ट्रेवल अंकल। व्हाइट ब्लैक गाइस, ये सर्बियन डांसिंग लेडी तो नहीं यार ट्रेवर? हाँ वही है, और वो शिनचान को लेकर चली गई। अरे यार लो यार कर दी मैंने बात, जल्दी यार चॉप बैठ जा गाड़ी पे, और ट्रेवर तू भी। अरे यही प्रॉब्लम थी यार, और तू यार चॉप तू को समझना चाहिए ना, शिनचान को बाहर लेके क्यों आया एयरपोर्ट के तू? अरे यार मैंने उसको कितना ज्यादा समझाया, बट वो समझने वाला लड़का है क्या, आपको भी मालूम है ना? हाँ यार मुझे भी मालूम है, वो समझता नहीं, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का है। बट यार चॉप तुझे एक बात तो समझनी चाहिए, लॉस सैंटोस के अंदर तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे एक बार कॉल कर लेता। अरे यार मैं आपको कॉल कैसे करता यार, शिनचान की चार्जिंग खत्म हो गई थी। हाँ चार्जिंग खत्म हो गई थी, ऐसे कैसे खत्म हो गई? आपको तो मालूम है ना यार वो कितना ज्यादा गेम खेलता है। हाँ यार वो भी उसकी गड़बड़ है, बार बार गेम खेलता रहता है, अभी उसको ढूंढे कैसे वो ही यार मुझे सबसे पहले करना है, और यहाँ पर सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा, वरना वो सर्बियन डांसिंग लेडी फिर आ जाएगी। चॉप मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, ये सर्बियन डांसिंग लेडी वगैरह क्या है, तू एक बार मिलिट्री बेस चल। अरे मिलिट्री बेस क्यों यार, अपने घर चलते ना। हाँ मिलिट्री बेस ही जाना पड़ेगा चॉप, क्योंकि यार लॉस एंजेलिस छोड़ के सब लोग जा चुके हैं। लॉस एंजेलिस छोड़ के सब लोग क्यों गए यार फ्रैंकलिन भाई, आप मुझे जरा डिटेल में बताओ। हाँ मैं तुझे सब स्टार्टिंग से बताता हूँ, तुझे मालूम है हम लोग कुछ दिनों पहले ट्रेवर अंकल और मैं यहाँ पर आए थे लॉस एंजेलिस के अंदर। हाँ मुझे मालूम है, आप लोग आए थे ना प्राइवेट जेट से। हाँ यहीं पे हम लोग आए थे ना, तब हम लोग आए थे तो लॉस एंजेलिस के अंदर कोई नहीं था, तब सुबह का टाइम था, रात का टाइम नहीं था, तब हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं, फिर मिलिट्री बेस जाके मालूम पड़ा कि सर्बियन डांसिंग लेडी आई है, और ये 300,000 लोगों को मार चुके हैं, और आधे से ज़्यादा लॉस एंजेलिस छोड़ के लोग जा चुके हैं, और यहाँ पर आधे गरीब लोग मिलिट्री बेस में रह रहे हैं। क्या फ्रैंकलिन भैया गरीब लोग मिलिट्री बेस में रह रहे? हाँ गरीब लोग मिलिट्री बेस में रह रहे हैं, और जो मिलिट्री का कर्नल था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, तो इसलिए यार उसने मेरे लिए बहुत सारा घर वगैरह बना के रखा था, तो वहीं पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उसके खाने की चीज़ पीने की चीज़ें सब कुछ है चॉप, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट यार सबसे पहले शिनचान को यार मुझे ढूंढना पड़ेगा कैसे भी करके, अभी तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना चॉप? हाँ यार अभी मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि यार मिलिट्री बेस के यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ना। हाँ मिलिट्री बेस सामने ही है, हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस के यहाँ पर, अभी लाइट तो मैंने ऑन कर दी है, अभी देखता हूँ कौन सी सर्बियन डांसिंग लेडी आती है। और ड्राइवर तू क्या बोल रहा है?
अरे बाबा मैं क्या बोलूं, मुझे डर लग रहा है, एक काम कर जल्दी अंदर चल। हाँ अभी सेफ लग रहा है बहुत। अरे ट्रेवल अंकल आप कितना ज्यादा डरते हो। हाँ डरना तो पड़ता है ना, उसको डरने का तो उसका काम ही है। ए ज्यादा बोल मत यार फ्रैंकलिन, एक काम कर जल्दी गाड़ी लेकर चल अंदर, मैं सो जाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। क्या है ट्रेवल, तुझे शिनचैन की चिंता नहीं है क्या। अरे है ना, बट अभी रात को कहाँ ढूंढने चलेगा उसको, सुबह जाएंगे ढूंढने। हाँ यार गाइस वो भी प्रॉब्लम है, सुबह जाएंगे उसको ढूंढने। और चौप यार तू मिलिट्री बेस के बाहर मत जाना, वरना सर्बियन डांसिंग लेडी तुझे भी पकड़ लेगी। हाँ यार मैं मिलिट्री बेस के बाहर नहीं जाऊंगा यार, एक काम करो यार मुझे घर दिखाओ, मैं वहीं पे रहूंगा। हाँ वहीं पे रहना। पर यार तुझे एक दुख की बात बताता हूँ, मिलिट्री का जो जनरल था ना मेरा दोस्त, वो भी मारा जा चुका है सर्बियन डांसिंग लेडी के हाथों। क्या बात कर रहे हो यार, वो भी मर गया। हाँ चौप वो भी मर गया, इसी वजह से यार कोई रात को बाहर नहीं आता। तुम लोग को भी अब भी आना था, एक बार इन्फॉर्म कर लेते। वो शिनचैन को यार आपको सरप्राइज देना था। काय का सरप्राइज, अभी जॉब सरप्राइज हो ही गया मेरा पूरा। और यार आपको यार गाइस वीडियो कैसे लगे यार एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यार यहाँ पर यार शिनचैन को बचाने के लिए यार आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आप लोग जल्दी से कमेंट में गाइस ओपी लिख दो, मतलब यार कोई तो मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगा सुबह। और यार गाइस मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 5 में, और ये था यार गाइस इस सीरीज का पार्ट 4। और एक बात कहना चाहता हूँ यार, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो यार। और मैं देता हूँ आपसे अलविदा आज के लिए गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।